तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल आर्टिसन गेमर्स में। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं क्लैश क्वेड इन फ्री फायर। तो भाई, जब मैं यहाँ से जा रहा था मेरे एनिमी को पीछे शूट किया, तो मैंने भी सोचा उसके जाके हेडशॉट लगा दूं। तो फिर मैंने देखा एक एनिमी मेरे बंदे को नोक कर दिया, मैंने भी उसे नोक कर दिया। तो गाइस, नेक्स्ट राउंड में क्या होता है, मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है कहाँ पे है, कि मैं भी उसके लिए वेट करता हूँ कि वो आएगा, वो भी मेरे लिए वेट करता है। तो फिर मैं सोचता हूँ मैं ही उस पे जाके रश कर दूँ। फिर मैं उस पे तो भाई उसके बाद जाता हूँ, दिख जाता है, तो मैं फिर उसको जाके किल कर दूँ। तो भाई, इस राउंड में क्या होता है, मुझे आगे ना फुटस्टेप की आवाज़ आती है, तो मैं देखने जाता हूँ कि वहाँ पे कोई बंदा है। तो मैं जैसे ही किल करने जाता हूँ, उसके बाद मुझे बंदा दिख जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता पीछे भी एक बंदा होता है। तो फिर मुझे नोक कर देते हैं, फिर मैं इस वजह से मैं मर जाता हूँ। फर्स्ट ब्लड। वही इस वाले राउंड में क्या हुआ था कि मेरे को फुटस्टेप की आवाज़ तो आ रही थी बंदे की, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था कि वो है कहाँ पे। तो मैं फिर उसे नीचे चेक करने गया, पता लगा एकदम सामने आ गए। मुझे जब मारने लगा ना, तो भाई मेरे से शूट वाला ऑप्शन दबा ही नहीं, पता लगा कि मैं साइड में दबाए जा रहा था। तो गाइस, अब कमेंट में बताना कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। तो भाई जब ये तो भाई, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो भाई, राउंड फाइव में मेरे को पता लग गया था कि सामने वाला एनिमी का बंदा इन बिल्डिंग से घर के पीछे से आ रहा है, तो मैंने फिर उसके जाके बजा दिया। फर्स्ट ब्लड। तो भाई, जब क्या होता है, जो सामने वाली टीम का बंदा होता है ना, वो मेरे को पीछे से मारने आ रहा था, मुझे पता लग गया, फिर मैं उसके जाके बजा रहा था।
उनकी टीम का बंदा पीछे आके मेरे को नॉक कर देते हैं। मुझे किल भी करना चाहिए मेरा। तो भाई जब एक ही बंदा बचा होता है तो हम उसको मार के ये वाला मैच जीत जाते हैं। टीम का एक मेंबर आके मेरी टीम के मेंबर को नॉक कर देता है। फिर इसके बाद दो बंदे मेरे को रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं उन्हें मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे पास ब्लू वॉल नहीं होती, इस वजह से मैं मर जाता हूँ। लेकिन वो पहले उस एक मेंबर को नॉक कर देता है, फिर उसके बाद पहले जाके ये हमारी टीम का होता है ये मेंबर उसको जाके पहले पूरा किल कर देता है। तो इतने पता चलता है कि उनकी टीम का जो मेंबर है ना मतलब बचा है वो आ रहा है, तो ये पर्स जाके हेडशॉट मार देता है। तो इससे कि हम ये मैच